तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नो इंटरनेट नो इंटरनेट एक्सेस एरर को लेके। अगर आप विंडो 11 यूज़र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वाईफाई में नो इंटरनेट एक्सेस है, तो यहाँ पर भी हम अगर चेक करते हैं इसकी सेटिंग में तो यहाँ पर हमारे पास नो इंटरनेट है। तो बेसिकली ये एक ऐसा बग है या एरर है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं वीडियो को कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक पहला जो काम करना है वो कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। आप सेटिंग से कर लें या आप सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखकर इंटर करें तो आपके पास इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सबसे पहला काम ये करना है कि सिस्टम को क्लिक करना है। सिस्टम के आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिस्टम अबाउट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने सिस्टम पर ही अप्लाई करना है, तो इसकी तमाम सेटिंग हमारे सामने एलिमिनेट हो जाएगी। हम यहाँ से ट्रबल शूट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ट्रबल शूट का डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन में तो यहाँ हम सेट करेंगे आस्क, ठीक है ना, आस्क मी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और अदर ट्रबल शूटिंग के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी सिस्टम की ट्रबल शूटिंग है तो यहाँ पर हम इंटरनेट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इंटरनेट कनेक्शन पर रन के बटन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। आप प्रोसेसिंग को देख लें, आप सेम इसी तरह ही करेंगे तो आपका जो भी इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ना हो तो आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन या स्क्रॉल करना है इसको, तो यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, रन के बटन पर अप्लाई करना है और तमाम प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। सेम आपने इसी तरह ही करना है जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। आपने ऑल नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करके नेक्स्ट कर देना है और अगर कोई इससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड सही होने वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई या ऐसा एरर हुआ तो ये फौरी उसको रिपेयर कर देगा, यानी कि आपका जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो इशू है वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी हम टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो सेम सिचुएशन है, हमारे पास स्टिल नो इंटरनेट है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और मेथड में आपको बताता हूँ जिसके ज़रिए हम इसको सही कर सकते हैं या इसको फिक्स कर सकते हैं। आपने वापस आना है कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर आके नेटवर्क एंड शेयरिंग में आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने टीपी लिंक या आपका जो भी रूटर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये वाईफाई स्टेटस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करें। प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जस्ट आपने एक सिंगल क्लिक करना है, वो है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ओके करें। जैसे ही हम ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे और हमारा जो इंटरनेट है इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नो इंटरनेट एक्सेस जो है अब ऐसा कोई एरर नहीं रहा, अब इसको फिक्स कर दिया गया है, यानी कि कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। या आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है। अब मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है इसको ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरनेट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप भी इसी तरह इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई है आप सेम इसी तरह कीजिएगा तो आपका जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है विंडोज़ 11 में आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान मेथड है ये, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपको ऐसा कोई भी इशू है तो।